नमस्कार, मैं होम वर्कलस, आप देख रहे हैं TV45। जैसा कि नवंबर का माह जो है बीतता जा रहा है, दिसंबर का समय जो है नज़दीक आ रहा है, ऐसे में ठंड जो है अब धीरे धीरे साफ तौर पे ठंड का असर जो है बाज़ार में देखने को मिल रहा है। लगातार ठंड देर शाम होते ही तेज़ हवाओं के साथ जो ठंड जो है, ये ठंड का प्रकोप जो है अब देखने को मिल रहा है। ऐसे में अपनी सुरक्षा को लेकर अगर बात करें तो लोग बाज़ार में घरों से बाहर निकल रहे हैं, और गर्म कपड़ों की बात करें तो अभी हम मौजूद हैं धनबाद के पुराना बाज़ार स्थित तिब्बती बाज़ार में। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कई दशकों से जो है तिब्बती बाज़ार में यहाँ पर लोग आते हैं और कहीं ना कहीं ठंड से बचाव हेतु जो तिब्बती कपड़े होते हैं उसकी खरीदारी करते हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लोग साफ तौर पे कई तरह के वैरायटीज़ के जो जैकेट हम कह सकते हैं, या फिर बच्चों के सामग्री की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि बच्चों के सुरक्षा के लिए आपको कई तरह के यहाँ पे आपको जैकेट नज़र आ रहे होंगे, साथ ही स्टॉल नज़र आ रहे होंगे। और हम यह भी कह सकते हैं कि जो इस पूरे बाज़ार की अगर हम खास बात करें तो ये जो तिब्बती कपड़े होते हैं ये काफ़ी गर्म माने जाते हैं, और यह भी लोगों को अगर साफ तौर पर हम देखें तो लोग काफ़ी चाव से इसकी ख़रीदारी के लिए आते हैं। यही कारण है कि धनबाद के पुराना बाज़ार का यह जो बाज़ार है यह काफ़ी दशकों से यहाँ पे लोगों की भीड़ जो है देखने को मिलती है। बड़ी संख्या में देर शाम होते ही लोग यहाँ पे ख़रीदारी को आते हैं, दिन के वक्त भी लोग मौजूद होते हैं। आप देख रहे होंगे कि अभी भी जो है लोग यहाँ पे जो है लगातार ख़रीदारी करते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। आप देख रहे होंगे कि महिलाओं के लिए भी कई तरह की वेराइटीज़ यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे। स्वेटर की बात करें या फिर हम साफ तौर पर कह सकते हैं बच्चे हो, बुज़ुर्ग हो, यंग हो, सभी के लिए कई तरह के वेराइटीज़ नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर जो विक्रेता है हम सीधे तौर पे उनसे भी जुड़ेंगे और जानेंगे कि किस तरह के यहाँ पे पूरे वैरायटीज़ को रखे गए हैं। आप देख रहे होंगे कि महिलाओं के साथ साथ बुज़ुर्गों के लिए, युवाओं के लिए, और साथ ही कई तरह के ट्राउज़र भी हैं, जो कि जैसे अगर आप सफ़र में जाएंगे तो आप देख रहे होंगे कि ये सब जो कपड़े हैं काफ़ी गर्म होते हैं। इन कपड़ों को पहनकर लोग कहीं ना कहीं इसे पहन करके जो है अपने यात्रा को है, और साथ ही साथ खुद की सुरक्षा के लिए ये काफ़ी बेहतर होता है। और यह भी कहा जाता है कि कम रेट में जो है यह पूरे कपड़े जो है बाजार में जो है अवेलेबल मिल जाते हैं। तो यह जो पूरा बाजार है, और इसकी बात करें तो आप देख रहे होंगे कि बड़ी संख्या में लोग आपको अभी भी यहाँ नज़र आ रहे होंगे, लोग ख़रीदारी करते हुए नज़र आ रहे होंगे। एक दो ग्राहक हैं, हम सीधे तौर पे उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि किस तरह से ये पूरे कपड़ा खरीदने आए हैं। तिब्बती बाज़ार का जो कपड़ा होता है काफ़ी खास माना जाता है सुरक्षा को लेकर के, मतलब ठंड से बचाव के लिए। क्या कुछ वही सर, कुछ अच्छा है कपड़ा, कपड़ा खरीदना सस्ता भी मिलता है, लेना ही चाहिए, यही है, ठंडे में बचने के लिए कपड़ा लेना चाहिए। अच्छा, और जैसे जैकेट होते हैं, स्वेटर होते हैं, मॉल में भी मिल जाते हैं, हर एक तरह के मिलते हैं, लेकिन तिब्बती जो स्वेटर कपड़े होते हैं उसे ही क्यों ज़्यादा चाव से लेते हैं? इसलिए सर, अच्छा गर्मी के लिए अच्छा कपड़ा मिलता है, मार्केट से 2 रुपया इधर ही मार्केट में अच्छा सस्ता ही मिलता है। किसके किसके लिए अभी फिलहाल? बच्चे के लिए नहीं ले आए थे। क्या कुछ खरीदा? अभी खरीदे नहीं, वो रेट बता रहा है 400-500 करके बता रहा है, कुछ डिस्काउंट करके बताइए तो इतने बच्चे के कपड़े लेंगे, वो बोलता अगर है एक ही दाम बता रहा है वो। वही अगर बात करें तो, अगर रेट की अगर बात करें तो कैसे देख रहे हैं? वो बोलता है इसमें कुछ डिस्काउंट नहीं होगा, जो मेरा फिक्स रेट है वही रेट रहेगा मेरा। तो कहीं ना कहीं रेट को लेके थोड़ा सा जो है असमंजस है। साफ तौर पे और भी जो दुकानदार हैं हम उससे जुड़ेंगे। चाचा जी थोड़ा सा एक मिनट, सीधे तौर पे इनसे भी हम बात करेंगे। तिब्बती बाज़ार की अगर हम बात करें तो आप लोग कितने सालों से यहाँ पे? हम लोग सन 1982 से लग रहा है, 42 साल हो गया लगभग। 42 साल से? हाँ जी। अगर कपड़े की बात करें तो जो जैकेट है, गर्म कपड़े हैं, इसे काफ़ी खास माना जाता है तिब्बती कपड़ों की, इसकी खासियत क्या है? इसका जो मेन जो गर्मी, पहले तो गर्मी देता है, पहले तो उसका बाद जो क्वालिटी जो ना बहुत बढ़िया रहता है ये सब, और ये दाम जो एकदम मुनासिब में फिक्स किया हुआ है, इसमें कोई ठका ठकी नहीं है। सबसे खासियत तो यही है फिक्स प्राइस में, इसमें ठगने की कोई गुंजाइश नहीं है। क्या कुछ वैरायटीज, मतलब किस किस तरह की वैरायटीज अभी यहाँ लेडीज़ के लिए? ब्लेजर है, और लॉन्ग स्वेटर में है, हेयर का स्वेटर में है, ऊन का स्वेटर में है, और जेंट्स के लिए जैकेट, कई तरह का जैकेट लगा हुआ है, और स्वेटर भी है, बच्चे का जैकेट, बच्चे का सूट, और ये बच्चे का टोपी वोपी सब, हर किसी हर चीज़ मिल रही है। प्राइस की बात करें तो कितने रहते हैं? प्राइस तो जैकेट लगभग, जैकेट तो लेडीज़ का ब्लेजर आएगा 1700 से 2500-2600 तक आ जाएगा, और जैकेट जो जेंट्स का जैकेट आएगा वो 1100-1200 से 1200-1500 तक आ जाता है, उतना में आएगा। क्या कुछ नाम हुआ? हमारा नाम है ओलो। कहाँ के रहने वाले हम? तो है तो तिब्बत की है।
तिब्बत का निवासी है। अच्छा, बाजार की अगर यहाँ पे बात करें, इतने सालों से आ रहे हैं, लोगों का सहयोग मिलता है? बहुत बढ़िया है, धनबाद में तो जितना सहयोग मिलता है वो कहीं भी नहीं मिलता है, इसीलिए हर साल हम लोग यहीं आता है। जी तो देखिए, साफ तौर पे जो यहाँ के दुकानदार हैं, इनका साफ तौर पे ये कहना है कि तिब्बत से चलकर दशकों से ये लोग यहाँ पे आ रहे हैं, और जिस तरह से लोगों का समर्थन, लोगों का सहयोग जो है इन्हें जो मिलता है उससे काफ़ी खुश रहते हैं। यही कारण है कि यहाँ पे हर एक साल ये लोग बढ़ चढ़ के आते हैं और साफ तौर पर आ करके जो है जो भी अपनी ज़रूरत की चीज़ जो लोगों को ठंड में चाहिए वो आप देखते होंगे कि लोग आके यहाँ पर ख़रीदारी करें। देखिए, अब हम जिस स्टॉल में पहुँचे यहाँ देख रहे होंगे बड़े संख्या में आपको जो है महिलाओं की अगर हम बात करें तो स्वेटर हो, शॉल हो। साफ तौर पे कई बार ऐसा देखा जाता है कि ठंड में बचाव के लिए जो शॉल होते हैं उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे में तिब्बती शॉल जो होते हैं वो काफ़ी खास माने जाते हैं। गर्म देने की बात करें तो ये काफ़ी खास होते हैं। मैम, थोड़ा सा बताएं, जो तिब्बती शॉल है यहाँ पे जो महिलाओं के लिए है, ये सब का क्या कुछ प्राइस है और क्या कुछ चीज़ें अवेलेबल है आपके पास, वैरायटीज? ये 500 के ऊपर में है और ये लोग 800-900 ऐसे में ऊपर है ये सब। महिलाओं के लिए के क्या क्या कुछ वैरायटीज है आपके पास, जैसे स्वेटर, जैकेट और फिर ऐसा कुर्ती वगैरह है, गरम सब गरम चीजें, टोपी वगैरह ये सब है। आप लोग कहाँ से आए हो? हम अरुणाचल से हैं। कितने दिन हो आप लोग, हर एक साल यहाँ पे? हाँ, आते हैं, हर एक साल आते हैं। लोगों का फीडबैक कैसा है, लोगों का रिस्पांस कैसा है? अच्छा है सब। हाँ जी। अच्छा, अगर देखा जाए तो जैसे और जो स्वेटर होते हैं, कपड़े होते हैं, जैसे मॉल में मिल जाते हैं, ठीक है, लोगों की जरूरत की चीज मिल जाते हैं ठंड के बचाव के लिए, लेकिन तिब्बती कपड़ों की अगर हम बात करें जिसे लोग आते हैं खरीदारी के लिए, तो उसमें क्या कुछ खास उसकी अगर हम बात करें तो कुछ है? खास क्या बोलेगा, क्या खास क्या है? अच्छा है, मतलब कि ये स्वेटर लोग, हाँ, गर्म के लिए, ये सब गर्म के लिए है ना ये सब। रेट की अगर बात, रेट किसी को पसंद नहीं आता है, किसी को तो ऐसे ले जाता है, पसंद आ जाता है, और जैसा कपड़ा है वैसा तो दाम होना चाहिए ना। मेरा रिया। देखिए, तो यहाँ पे जो दुकानदार हैं उनका भी कहना है कि कई बार ऐसा होता है कि जो ग्राहक आते हैं, कई ऐसे ग्राहक होते हैं जिन्हें एक बार में ही जो प्रोडक्ट है वो पसंद आ जाते हैं। हाँ, रेट को लेके कई बार ऐसा होता है कि कुछ ग्राहक जो है उन्हें रेट पसंद आते हैं, कुछ किन्हीं को नहीं पसंद आते हैं। तो साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि बाजार की अगर हम बात करें तो बाजार का जो फीडबैक है लोगों का काफ़ी अच्छा रहा है, और साफ तौर पर देखिए खरीदारी के लिए बहुत से ग्राहक अभी भी यहाँ मौजूद हैं। कोई आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ट्राउज़र लेता हुआ नजर आ रहा है, कोई आपको देख रहे होंगे कि जैकेट लेता हुआ नजर आ रहा है। तो साफ तौर पे जो जरूरत की चीज है ठंड से बचाव के लिए, लोग खरीदारी के लिए तिब्बती बाजार जरूर आते हैं, और यही कारण है कि तिब्बती बाजार की खासियत हम बात करें तो कई दशकों से नहीं, कई वर्षों से यहाँ पे जो है लगातार लोग खरीदारी के लिए आते हैं और अपने जरूरतों की चीज को जो है खरीद रहे होंगे। अब देखिए, आप जब आप स्टॉल देखेंगे तो तिब्बती जो लॉन्ग फ्रॉक है और साथ ही साथ जो शॉल है, आप देख रहे होंगे, जो मैं शॉल की बात कर रहा था, इसकी काफी डिमांड होती है। महिलाएं हों, युवतियां हों, चाहे वो सूट पर हो या फिर साड़ी पर हो, इसकी खरीदारी की हम बात करें तो इसे काफ़ी चाव से जो है लोग कहीं ना कहीं इसकी जो ज़रूरत है उसे पूरा करने में और अपने ठंड से बचाव के लेकर के इन सभी प्रोडक्ट्स की खरीदारी के लिए ज़रूर आते हैं। तो देखिए, सीधे तौर पर और भी हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि पूरे बाजार में किस तरह का और भी जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल है। जैसे आप देख रहे हो कि छोटे छोटे बच्चों के लिए, आप देख रहे हो कि जैकेट है, टोपी है, और साथ ही आप समझ सकते हैं कि बच्चों के कान के बचाव के लिए ये माना जाता है कि तिब्बती टोपी जो है कहीं ना कहीं उनके कान को सुरक्षित रखने में काफ़ी मदद करता है। तो आप देख रहे हो कि हर एक तरह के प्रोडक्ट जो है यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे, लोग अपनी ज़रूरतों की चीज़ को यहाँ पे खरीदते हुए नज़र आ रहे होंगे। कहीं ना कहीं बच्चे की आप देख रहे होंगे, छोटे बच्चे के कान की सुरक्षा के लिए जो या पूरे जो टोपी होते हैं, अब देखिए जैसे कि आप विजुअल के माध्यम से अभी देख रहे हैं कि जो छोटी बच्ची है उसके कानों की सुरक्षा के लिए यह जो पूरा कैप है इसे सीधे तौर पर पूरे कान को ढकने में काफ़ी मदद करता है। देखिए, कुछ हमारे साथ ग्राहक हैं, उनसे बात करेंगे। बच्चे के लिए कैप लेने आए हैं, ठंड से बचाव के लिए काफ़ी जो होता है यह कारगर साबित हो रहा है, क्या कुछ? ठंड है तो बच्चों को बचाने के लिए तो लेना ही पड़ेगा ना। क्या क्या कुछ खरीदारी? बच्चे को देखेंगे, स्वेटर देखेंगे, कैप देखेंगे, और अगर ट्राउजर हम अपने लिए अगर अच्छा लगा तो ले लेंगे। हर एक साल आते हैं इस बार? हाँ, हर एक साल आते हैं। अच्छा, अन जैसे मॉलों में होता है कि बहुत तरह की चीजें मिल जाती है, लेकिन तिब्बती बाजार लोग खास करके आते हैं, कुछ ऐसा चीज है ना जो डिफरेंट मिलता है, इसीलिए जैसे कपड़े जो है बेहतर होते हैं, स्वेटर जैकेट कुछ डिफरेंट मिलता है, बस इसलिए। देखिए, साफ तौर पे जैसे
जो अन्य कपड़े होते हैं, जैसे बाजार की हम बात करें तो जिसमें जो शॉल, जैकेट, मॉल हो या फिर अन्य दुकानों में जब आप जाते हैं तो जो कपड़े होते हैं उनकी वेराइटीज़ की बात करें, जैसा कि मैं बता रहा था उसमें, और तिब्बती कपड़ों की साफ तौर पर देखिए इतनी वेराइटीज़ के कारण ही इसके जो डिमांड है बाज़ार में अलग होते हैं, और यही कारण है कि लोग जो है बड़े चाव से इस बाज़ार में आते हैं। और कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि वेराइटीज़ की कमी भी यहाँ पर नहीं है, जो भी ज़रूरत की चीज़ है वो कहीं ना कहीं एक बाज़ार में आपको कुछ ही दूरी पे हर एक तरह के प्रोडक्ट्स जो है वो अवेलेबल मिल जाएंगे। छोटे बच्चों से लेकर के परिवार के हर एक सदस्यों की ज़रूरत की चीज़ आपको यहाँ पे मौजूद मिल जाएगी। साथ ही आप देख रहे होंगे कि छोटे छोटे बच्चों के लिए भी ख़ास तौर पे बच्चों की सुरक्षा और बुज़ुर्गों के ठंड से बचाव के लिए लोगों में काफ़ी चिंता होती है, ऐसे में बच्चे और बुज़ुर्ग इन सभी के लिए भी कई प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे एक दुकानदार है, उनसे बात करेंगे। बच्चों के लिए जो जैकेट वगैरह यहाँ पे अवेलेबल है, क्या कुछ प्रोडक्ट अवेलेबल है आप लोग? जी सर, बच्चे के लिए सूट है, जैकेट है, स्वेटर है, हाँ जी यही सब है। प्राइस इसमें सर कोई 700-800 का है, कोई 1000 का भी है, कोई कम रेट का भी है, ज़्यादा का भी है, सब सब के लिए रेट। अच्छा, जैसे ये सब जैकेट की अगर हम बात करें तो इसकी खासियत क्या हम कहेंगे, जैसे हाँ जी प्रोडक्ट की खासियत हाँ, हाँ, हम कह सकते हैं? अच्छा अच्छा, ये सर ये सब वैसे तो उलैन में भी आता है। हाँ, और ऐसे सेट, खरीद, हाँ, इसी खरीदारी कहाँ से करते हैं हम लोग सर? ये सब वैसे तो लुधियाना से लेते हैं। हाँ जी हाँ जी, लुधियाना से लेकर के आप लोग इसको फिर हाँ जी हाँ जी इंडिया में आप लोग? हाँ हाँ, इंडिया पूरा इंडिया में हम सेल करते हैं। कितने जगहों पे आप लोगों का जो है ये तिब्बती मार्केट लगता है, अगर भारत में हम बात करें तो? पूरे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर बोलेगा तो सर अभी तो इसको ये तो बोल नहीं सकते, लेकिन सब सब जगह में है, हर एक जगह में, अधिकतर राज्य में जो है। हाँ 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 सब। हाँ, कितने दिनों के लिए घर से बाहर निकलते हैं सर? हम लोग को 3.5-4 महीना, 4 महीना ऐसे, मतलब जैसे ठंड के आगाज होता है सर, ठंड का टाइम सेल करते हैं जी। हाँ ऐसे। और फिर वापसी आप लोग घर कब करते हैं? हाँ वापस फिर वही फेबरी में, फेबरी बीच में चल जाता है, जैसे माल जैसे खत्म हो जाता है तब वैसे चल जाता है। जैसे इतना जो पूरा प्रोडक्ट्स है वो 4 महीने में पूरी बिक्री हो जाती है? हाँ जी जी, बिक्री होता है जी। हाँ जी, धनबाद की बाजार की बात करें तो कैसा है यहाँ का बाजार? ठीक, बाजार ठीक जी, ठीक बढ़िया है, अच्छा है। यहाँ का पब्लिक लोग भी बहुत बढ़िया है, एकदम सब लोग ये करते हैं, सुविधा में मदद करते हैं। हाँ जी हाँ ठीक जी। देखिए साफ तौर पे समझ सकते हैं कि जैसे बाजार की बात करें या फिर जो यहाँ पे जो भी दुकानदार हैं, जो कि उनका साफ तौर पे ये कहना है कि पब्लिक सपोर्ट हो, रिव्यू हो, या फिर जो भी हम कह सकते हैं लोकेलिटी है, उनका काफ़ी सहयोग मिलता है, उन सभी के सहयोग से ही ये लोग काफ़ी बेहतर ढंग से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे बाजार लगाते हैं। और कहीं ना कहीं सालों में अपने परिवारों से दूर होकर के सभी लोग 4 महीने, जैसा कि आप बता रहे थे कि 4 महीने ये जो पूरा बाजार रहता है, इसमें ये लोग कहीं ना कहीं ऑल ओवर इंडिया सभी लोग जाते हैं और इन प्रोडक्ट्स की बिक्री करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे ही पूरे ठंड बीतने के बाद जब पूरा ठंड गुजर जाता है तो फरवरी के माह में फिर ये लोग वापसी अपने घर की ओर करते हैं। जैसे अरुणाचल के भी कुछ लोग यहाँ पे हैं, कुछ लोग तिब्बत से भी हैं, और आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि कई भारत के अन्य क्षेत्र से जुड़े हुए जो भी यहाँ पे शरणार्थी हैं या फिर जो भी विक्रेता हैं जो कि आते हैं और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जा जाकर इन जो प्रोडक्ट्स है उसकी कहीं ना कहीं बिक्री करते हैं और लोगों तक उनकी ज़रूरतों की चीज़ जो है तिब्बती कपड़े जो है उसे पहुँचाने का जो है काम करते हैं। देखिए और भी जब आप आगे विजुअल के माध्यम से देखेंगे तो आप देख रहे होंगे कि पूरे स्टॉल की अगर हम बात करें तो सीधे तौर पे जब जैसे ही आप प्रवेश करेंगे उसके अंदर आते ही आपको 100 से 200 मीटर के अंदर ही आपको हर एक तरह के प्रोडक्ट्स जैसा कि मैं बता रहा था अवेलेबल मिल जाएगा। बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार के साथ आकर के यह पूरी खरीदारी को करते हुए कहीं ना कहीं अपनी ज़रूरत को पूरा करते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। अब देख रहे हो कि महिलाएं जो है उनका खासा भीड़ जो है देखने को इस बाज़ार में मिल रहा है, क्योंकि महिलाएं जो हैं हम साफ तौर पे यह कह सकते हैं और समझ सकते हैं कि महिलाएं इन बाज़ार में आकर के जो अपने और साथ ही साथ अपने परिवार की जो ज़रूरत है उसे जो है आप देख रहे हो कि पूरा करती हुई नज़र आ रही होंगे। छोटे बच्चे भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं। मार्केट का सामान है, गर्मी का सामान है, जैसे में जैकेट होगा और जैकेट प्रोडक्ट जो है, जैकेट, स्वेटर, लेडीज शॉल, चादर, सब आइटम सर्दी का। और अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों के लिए क्या? बच्चे में भी सब जैकेट, वेस्ट बंगाल, टोपी, मौजा सब। अच्छा, ये जो पूरा प्रोडक्ट है इसकी खरीदारी आप लोग कहाँ से करते हैं? तब ये सब तो खैर जिनको है वही सब प्रोडक्ट करते हैं, हम लोग तो खाली सेल्समैन करते हैं। धनबाद की बाजार की बात करें तो धनबाद का बाजार अच्छा है। अभी चूंकि नवंबर ही चल रहा है, दिसंबर में जैसे ठंड और बढ़े वैसे वैसे भीड़ चलेगी।
उसी तरह का। अच्छा, जैसे धनबाद में और भी आप लोग कई सालों से लगाते हैं, किस तरह का बाजार रहता है, कब ज्यादा बिक्री पीक पर है? मतलब नवंबर दिसंबर से ही होता है जी। बाजार फिर आप कब आप लोग यहाँ से वापसी? मतलब जनवरी एंड तक का जी। देखिए साफ तौर पे जो नवंबर और दिसंबर का माह है, जैसे अभी नवंबर अब अंतिम समय में ही बस पहुंचने वाला है, लेकिन दिसंबर के माह में जब सर्दी अपने पीक पर होती है तो जो बिक्री है वो कहीं ना कहीं काफ़ी बेहतर ढंग से होता है, और जो लोग हैं वो साफ तौर पे जो खरीदारी करते हुए आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे, उनकी भीड़ जो है यहाँ काफ़ी संख्या में देखने को मिल रही होगी। तो आप देख रहे होंगे कि काफ़ी शांतिनुमा माहौल में काफ़ी आप देख रहे होंगे कि बेहतर ढंग से जो भी ज़रूरत की चीज़ है उसे लोग खरीदारी करते हुए सब परिवार यहाँ पे आते हैं। देर शाम यहाँ पे जैसे जैसे शाम ढलता है और ठंड भी बढ़ते जाते हैं, तो वैसे ही लोगों की भीड़ भी जो है बढ़ते जाते हैं। हम सीधे तौर पे और भी आगे बढ़ेंगे और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों का क्या कुछ कहना है, और साथ ही साथ इस पूरे बाजार को लेकर के किस तरह से पूरे बाजार में लोगों के द्वारा जो है इस पूरे बाजार का आनंद लिया जा रहा है। हमारे साथ कुछ भी और भी लोग हैं, उनसे जुड़ेंगे। अगर तिब्बती बाजार की बात करें तो किस तरह का इस बार का लोगों का फीडबैक है, और किस तरह का लोगों का इस बार का फीडबैक है? आप लोग बाजार कई दशकों से यहाँ पे लगाते हैं, किस किस तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं और किस तरह का इस बार का बाजार? अभी जो ग्राहकों का जो इधर रुझान है बहुत ही बढ़िया है, और जो है ठंड भी अभी दस्तक दे ही रहा है, तो ग्राहक अभी बहुत अच्छे से इधर मार्केटिंग कर रहा है। अभी भीड़ भी काफ़ी बढ़ रहा है जी, और प्रोडक्ट जो है ना हम लोग जो है एकदम बढ़िया से बढ़िया, डिजाइनेबल, फैशनेबल और एफोर्डेबल प्राइस, ऐसा चीज़ हम लोग जो है धनबाद वासियों को देने का कोशिश करता है। तो धनबाद वासियों का प्यार तो हमारे ऊपर है ही है, तो हर साल की तरह इस साल भी जो है वैरायटी भरपूर है जी। जैसे बच्चों की बात करें, चूंकि घर परिवार में कई बार ऐसा होता है कि परिवार के जो लोग होते हैं वो बच्चों की और घर के सबसे बुजुर्ग जो व्यक्ति होते हैं, मतलब सबसे सीनियर सिटीजन, उनके ठंड से बचाव को लेकर चिंता काफी लोगों में रहती है, तो बुजुर्गों के लिए क्या कुछ आपके पास अवेलेबल है और बच्चों के लिए? इस बाजार का यही खासियत है इस मार्केट का कि यहाँ पर आपको बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, महिला जो वृद्ध महिला से लेकर छोटी बच्ची तक, सबके लिए जो वैरायटी मिलेगा, और जो है उनके ही पसंद लायक दाम में और उनके ही फैशनेबल डिज़ाइन में मिलेगा। यहाँ पर हल्के से हल्के दाम में ले सकता है और महंगे से महंगे दाम में भी ले सकता है, यानी कि यहाँ पर जो भी आएगा खाली नहीं जाएगा, ये बिल्कुल इस मार्केट का खासियत है जी। प्रोडक्ट की बात करें तो कितने से जो है प्रोडक्ट की शुरुआत होती है, और हाइयर अगर दाम की हम ज़्यादा की बात करें तो कितने तक के प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल? यहाँ पर देखिए बड़ा आदमी के लिए, जेंट्स के लिए जो है आपको 300-400 से शुरू हो जाएगा, 17-18-19-20 तक 100 तक मिल जाएगा, तो लेडीज़ भी उसी तरह का है। वैरायटी बहुत है और दाम जो है ना बहुत किफ़ायती दाम है, यानी कि कोई भी इधर आएगा ना वो कुछ ना कुछ ज़रूर लेके जाएगा। अच्छा, जैसे अगर हम तिब्बती बाज़ार की बात करें, चूँकि आप इस जो यह पूरा कारोबार है इससे काफ़ी दशकों से जुड़े हुए हैं, आप लोग का यही कारोबार ही है, आप लोग 4-4 महीने जो है घर से बाहर होकर लोगों तक जो है ठंड में उनकी ज़रूरत की चीज़ों को पहुँचाते हैं, लेकिन अगर हम बात करें जैसे कई ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जैसे वो मॉल में अवेलेबल हो जाते हैं, दुकानों में मिल जाते हैं, लेकिन अगर खासियत की बात करें तो आखिर क्यों लोग तिब्बती जो यह स्वेटर हैं, जैकेट है, उनकी ख़रीदारी करें? चूँकि आप एक दुकानदार भी हैं, ग्राहक भी हैं, आप एक दुकानदार हो और विक्रेता भी हैं तिब्बती बाजार के, तो आखिर क्या कुछ कारण मान के लोग जो है इसकी खरीदारी करें, जैसे इसकी कुछ खासियत की बात करें? इस मार्केट का खासियत ये है देखिए कि यहाँ पर जो है आपको जो भी चीज़ मिलेगा ना मॉल में इसका बराबर मिल सकता है, लेकिन दाम उतना दाम में आपको मॉल में नहीं मिलेगा, ये इधर का खासियत है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जितना मॉल में वैरायटी होगा उससे ज़्यादा यहाँ पर वैरायटी होगा, वैरायटी के मामले में ये मार्केट जो है ना बहुत मशहूर है, इसीलिए ये 42 साल हो रहा है इस साल यहीं पर लगकर, तो जो आपका ये ग्राहक है ना, ग्राहक का बहुत ही इंटरेस्ट है यहाँ पर आने के लिए और यहाँ से मार्केटिंग करने के लिए, तो हम लोगों का यही मतलब कोशिश रहता है कि जितना से जितना हो सके अच्छे से अच्छा डिज़ाइन धनबाद वासियों के लिए जो है हम लोग दे सके, और उनका प्यार जो है हम लोगों को हमेशा मिलता है, वो मिलते ही रहे,
और हम दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो बनते ही रहे जी। अच्छा, इन सभी बातों से इर्द अगर हम बात करें तो यह जो बाजार की शुरुआत है, जैसा कि मानिए कि 40-42 साल का जो सफर होता है, काफी लंबा सफर होता है, लेकिन क्या कुछ आप लोगों के मन में आया कि जो है तिब्बती कपड़ों को लेकर पूरे भारत भ्रमण करता है, लोगों तक इन सभी ठंड से जरूरत की जो चीजें हैं उन्हें पहुँचाना है, इसकी शुरुआत कैसे हुई ये हमारे दर्शकों तक कृपया आप। ये हमारे जो बुजुर्ग लोग थे जो पहले वो ये प्रोडक्ट जो है अपने हाथ से बनाता था, हाथ से बिनता था, अपना पहनता था और जो बच जाता था वो बेचता था, तो इंडिया के कोने कोने में जाके बेचता था। अभी जो है वक्त बदल रहा है, आदमी जो है अब डिजाइनेबल खोजता है, फैशनेबल खोजता है, इसीलिए अब वो जो घर का बना हुआ है ना वो इतना डिजाइनेबल फैशनेबल नहीं होता है, तो आप जितना भी प्रोडक्ट आता है वो मशीन से बनकर आता है, तो हम लोग जो है डायरेक्ट जो है मैन्युफैक्चरर से लेके आता है, इसलिए जो हम लोगों दाम जो है कम इसलिए रहता है क्योंकि थर्ड पर्सन नहीं जाता है, हम लोग डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से लेके आता है, इसलिए जितना हो सके हम लोग अच्छा से अच्छा देने की कोशिश करते हैं। हमारे बुजुर्ग लोग जो है बहुत उस वक्त मुटरी सिर में लेके ढो के बेचता था, अब जो है उस दुकान भी थोड़ा ढंग का लग गया है, आदमी भी मतलब वक्त बहुत बदल गया ना 20-30 साल में, तो अभी आदमी भी यहाँ बहुत ही अच्छा है। हम लोगों को तो लगता है कि जैसे आप अपने घर से आ गया यहाँ आ गया तो दूसरा ही अपने घर में पहुंच गया, ऐसे ही हमको महसूस होता है। मतलब कहीं ना कहीं आधुनिक दौर में जिस तरह से समय बीतता गया कह सकते हैं कि जो स्तर है वह बदलता गया, स्तर भी बड़ा होता गया और कहीं ना कहीं सर पे अब टोकरी लेने के घूमने की जरूरत नहीं पड़ी, एक स्थायी जगह आप लोग जुटते हैं, 4 महीने का बाजार रहता है, उसके बाद फिर वापसी की बात करें तो फिर कब आप लोग वापस जाते हैं? हम लोग फरवरी के लास्ट तक में वापस चला जाता है। खास बात क्या है कि हम लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो गवर्नमेंट ऑफ ये अपना जो इधर का स्थानीय प्रशासन है सबका इतना हम लोगों को कोऑपरेशन मिला है, मदद मिला है ना, और साथ ही साथ जनता का तो क्या कहने, कोई जवाब नहीं, हम लोग इतना प्यार से वो लोग जो खरीदारी करता है और यहाँ आने से वो लोग जो है दिल भर जाता है कि हाँ हमको जो चाहिए वो मिल रहा है, तो हम लोगों का भारत सरकार और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भारत के जनता खासकर धनबाद की जनता बहुत ही शुक्रगुजार है। हम लोग बिल्कुल देखिए साफ तौर पे कई बार मैंने खुद देखा है, क्योंकि नगर निगम जो नगर आयुक्त है हमारे अभी फिलहाल वर्तमान में राजीव जी, उनके वहाँ पे जब आप लोग की टीम पहुँची थी यहाँ पे बाजार लगाने तो काफ़ी कोऑपरेट किया गया, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत मदद है प्रशासन से भी और जो जितने भी हमारे ये धनबाद जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं, हम लोगों को बहुत ही मतलब खास तरीके से हम लोगों को एक पेश आता है। हम लोगों, मेरा नाम लोदेन सिंह है, मैं ये मार्केट का अध्यक्ष हूँ जी। जी देखिए साफ तौर पे अभी हमारे साथ जो व्यक्ति मौजूद थे वो इस पूरे बाजार के, इस तिब्बती बाजार के जो है आप कह सकते हैं अध्यक्ष है, और इन्हीं के निगरानी में आप समझ सकते हैं इन्हीं के संरक्षण में इस पूरे बाजार का आयोजन किया जाता है। 42 साल का एक लंबा सफर है, माथे पर टोकरी लेकर इसकी शुरुआत की गई थी, आप देख रहे होंगे आज इतने बड़े पैमाने पे जो है यह बाजार लगाया जा रहा है, कहीं ना कहीं लोगों का सहयोग, लोगों का प्रेम और साथ ही साथ इनकी मेहनत ही है जिसके कारण आज जो तिब्बती बाजार है वो कहीं ना कहीं भारत में चर्चाओं का विषय रहा है। लोग मॉल को छोड़कर, दुकानों को छोड़कर इस तिब्बती बाजार में आते हैं, ठंड से बचाव के लिए अपनी ज़रूरतों की चीज़ से की खरीदारी करते हैं, घर के बुजुर्ग हों, बच्चे हों, इनके आप समझ सकते हैं कि जैसे दिसंबर का माह नज़दीक आएगा, सर्द हवाएँ तेज होगी और साथ ही साथ जब ठंड अपना प्रकोप दिखाएगा तो कहीं ना कहीं लोगों के बचाव में ये तिब्बती कपड़े जो होते हैं कहीं ना कहीं लोगों के लिए काफ़ी कारगर साबित होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यह जो बाजार है और इसका इतिहास है काफ़ी पुराना रहा है, और धनबाद की अगर हम बात करें तो धनबाद में जिस तरह से यह जो पूरा बाजार रहा, इसका जो काफ़ी पुराना इतिहास रहा, जिस तरह से जो अध्यक्ष हैं इस बाजार के, उन्होंने कहा कि लोगों का सहयोग हो या फिर स्थानीय लोगों का मदद हो, जिला प्रशासन हो, कहीं ना कहीं इन सबके सहयोग से ही इस तरह का जो बाजार है वो धनबाद में देखने को मिलता है। तो इसके लिए सभी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सबके सहयोग से ही इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सामने आती है और कहीं ना कहीं इस तरह के बाजार जो है शहरों में देखते हुए मिलते हैं। फिलहाल इस पूरे खास रिपोर्ट के लिए सहयोगी राजा के साथ मैं अंबर कलश, TV45 धनबाद।